लेंस या नेत्रभिंग और दृष्टि पटल इनके बीच का अंतर स्थायी होता है दृष्टिपटल पर वस्तु की प्रतिमा संसाधित करने का एक ही उपाय है नेत्रभिंग का अकर्म समायोजित करना दूरतम वस्तु देखते समय नेत्रभिंग चपटा होता है और लेंस का नाभी बढ़ जाता है हम जब नजदीक की चीजें देखते हैं तब नेत्रभिंग उभरता है और लेंस का नाभी अंतर कम होगा अतः हमसे ये अंतर कम या ज्यादा हो तो भी वस्तु स्पष्ट देख पाने के लिए हम समर्थ हो जाते हैं ना भी अंतर में जरूरत के अनुसार परिवर्तन करने की हमारी लेंस की क्षमता को समायोजन शक्ति या समंजन क्षमता कहते हैं निरोगी नेत्रों से जिस न्यूनतम दूरी पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्याधिक स्पष्ट देखी जाती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहा जाता है वस्तु के उस स्थान को नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट की आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है नेत्र के जिस ज्यादा से ज्यादा अंतर तक की कोई वस्तु हम सुस्पष्ट देख सकते हैं उसे सुस्पष्ट दर्शन की दूरतम दूरी कहते हैं वस्तु के स्थान को नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं सामान्य निरोगी इंसान के नेत्रों के लिए यह दूरबिंदु अनंत दूरी पर होता है दृष्टि दोष कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो आसानी से देख पाता है किंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता यहां नेत्र में अपवर्तन संबंधी दोष होता है इसे ही लघु दृष्टि अथवा निकट दृष्टिता कहते हैं यह दो कारणों से हो सकता है एक अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना नेत्र के पास के नजदीक की मांसपेशियां शिथिल नहीं हो पाते हैं इसीलिए लेंस की प्रसारण क्षमता ज्यादा रहती है दो नेत्र गोलक लंबे होने के कारण नेत्र भिंग और दृष्टि पटल की आपसी दूरी बढ़ जाती है उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करके दृष्टिदोष का निवारण कर सकते हैं यह लेंस प्रकाश का अपसरण करके नेत्र की रेटिना तक लाते हैं बाद में नेत्र या लेंस का प्रसरण होकर प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर तैयार होता है अवतल लेंस का नाभी अंतर ऋण होता है अतः निकट दृष्टिदोष के नेत्रों के लिए ऋण शक्ति का चश्मा होता है दोष की प्रमाण के अनुसार अलग अलग नेत्रों के लिए अवतल लेंस की शक्ति भिन्न भिन्न होती है दीर्घ दोष फारसाइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता ऐसे दोष को दूर दृष्टिता या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं अर्थात व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य 25 सेंटीमीटर न होकर दूर होता है ऐसी व्यक्तियों में वस्तु की प्रतिमा दृष्टिपटल के पीछे बनती है यह दो कारणों से होता है एक नेत्र की दृष्टिपटल और लेंस की वक्रता कम होने के कारण अभिसारी लेंस की शक्ति कम हो जाती है और दो नेत्र गोलक उभर जाने से लेंस और दृष्टिपटल की आपसी दूरी घट जाती है इस दोष को दूर करने के लिए उचित नाभीय अंतर वाला उत्तल लेंस युक्त चश्मे का इस्तेमाल होता है फिर नेत्र के लेंस के कारण अभिसरण होकर प्रतिमा दृष्टिपटल पर तैयार होती है उत्तल लेंस का नाभि अंतर धन होता है इसलिए दूर दृष्टिता दोष की आंखों को धन शक्ति का चश्मा होता है जरा दूर प्रेस बायोपिया सामान्यतः 40 वर्ष की उम्र के बाद अधिकांश व्यक्तियों को जरा दूर दृष्टिता का दोष महसूस होता है जब छोटे अक्षर सुस्पष्ट दिखने में कठिनाई आती है फोन का संदेश पढ़ना भी कठिन होता है सामान्यतया बढ़ती उम्र के साथ आंखों की समन्वय शक्ति कम होती जाती है नेत्रों के पास वाले लेंस की मांसपेशियां लेंस का नाभि अंतर बदलने की शक्ति गवा देते हैं निकट बिंदु दूर हट जाता है इसके कारण वयस्क आदमियों को नजदीक की वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती जरा दूर दृष्टिता उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के कारण होता है लघु दृष्टिता इससे अलग होती है जो नेत्रगोल के आकार और अनुवंशिकता और इर्द गिर्द के माहौल पर अवलंबित होती है ऐसे माना जाता है कि जरा दृष्टिता आपके लेंस धीरे धीरे मोटे होने और समंजन क्षमता कम होने के कारण होता है कभी कभी कुछ लोगों में दोनों प्रकार के दोष अर्थात दीर्घ दृष्टिता एवं लघु दृष्टिता भी पाए जाते हैं यह दोष दूर करने के लिए उन्हें द्विफोक लेंस या बायफोकल लेंस की आवश्यकता होती है ऐसे लेंसों में ऊपरी हिस्सा अवतल होकर निकट दृष्टिता दोष दूर करता है तो निचला हिस्सा उत्तल लेंस होता है जो दूर दृष्टिता दूर करता है